नहीं नमस्ते। अरे तू चल जल्दी, लेट हो रहे हैं। लेट हो रहे हैं? लेट की छोड़ तू, तूने मेरा होमवर्क किया है। अगर मैं आज क्लास में पिट गया ना तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ओए, मैं क्यों करूं तेरा होमवर्क? क्यों, तेरी और मेरी डील ली हुई थी, तू मेरा सारा होमवर्क करेगी और मैं तेरे को कैंटीन के दो दो समोसे खिलाऊंगा गर्मा गर्म। आजकल दो समोसे में कोई नहीं मानता है और इतना सारा होमवर्क है, मैं नहीं करूंगी तेरा दो समोसे में होमवर्क। ओ लंबू इधर आ। मैं? तू इधर आ। मैंने एक काम कर, तू थोड़ा साइड में जा, उसका भूत तो बना के आता हूँ। हाँ। इतनी बदतमीजी से बात कर तेरे भाई से। हाँ। जा, जा, जल्दी जा। देखा बहन, तेरे भाई ने ना एक एक खाल में भूत भर दिया और सबका कुत्ता सा बना दिया। पर भाई, तेरी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तेरा कुत्ता बना दिया। बहन, सच में मेरा कुत्ता बना दिया, वो दो थे ना इसलिए पिट गया मैं। तू चल मेरे साथ, मैं देखती हूँ उन्हें। यार राधिका, भूख सी लग रही है यार। हाँ यार, मुझे भी लग रही है। दी से बोलो। दीदी, भूख सी लग रही है। ठीक है, कुछ मंगा लो, कंट्री कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये लो दी मेरी कंट्री। तू भी दे। बहन, मेरे पास ना कैश नहीं है, मैं तेरे को फोन पे कर देता हूँ। या फिर एक काम करूँगा ना, तेरे को मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा, ठीक है? चल ठीक है, बताओ भी क्या लेना है। मेरे को तो यार भूख लग रही है। तुझे बहुत भूख लगती है? क्यों, आपको नहीं लग रही? लग तो रही है थोड़ी सी। तो क्या दिक्कत है, मंगा लो ना कुछ, लेकिन कॉन्ट्री कर लो। लाओ पैसे दो अपने अपने। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, थोड़े बहुत है, उसी से काम चलाना तुम लोग। ला तू भी दे। मेरे पास ना कैश नहीं पड़ा हुआ, एक काम करता हूँ, मैं तेरे को फोन पे कर देता हूँ ना। या एक काम करियो ना, नेक्स्ट टाइम मैं दे दूंगा तेरे। क्या दिक्कत आ रही है? दे दूंगी, लेकिन तू पक्का दे दियो मेरे पैसे वापस। अरे दे दूंगा, तेरे भी दे दूंगा, उसके भी दे दूंगा। मंगवा के देखो, कुछ मंगवा लो। हाँ देख लो, आज देखो तुझे बताओ क्या लेना है। बहन, मुझे तो भूख लग रही है। हमें तो नहीं लग रही। अरे लग रही होगी, चलो खा लेंगे। पर हमारे पैसे तू देगा। अगर मैंने इन दोनों के लिए ऑर्डर किया तो पैसे मुझे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, अबे तुम पागल हो गई हो, चार दिन से मेरी लैट्रिन नहीं उतरी है और जो मैंने चार दिन पहले खाना खाया था ये तो वो मेरे पेट में जमा पड़ा है और तुम चाहती हो कि मैं ऊपर से बीमार हो जाऊं। अबे यार, कैसी बहन मिली है। अरे नहीं नहीं यार, अच्छा ठीक है, दबा देते। अब ये क्या बात हुई, अब ये दबाओ तो यार, तुम बड़ा उंगलियों का लगा दिए यार। ठीक है, और क्या कर लेते। अच्छा बेटे, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे तू? मम्मी को बताऊंगी। अरे नहीं नहीं बहन, तुम दोनों को गलतफहमी हो रही है, कस्टमर केयर से बात करूं मैं। अच्छा बहन, वैसे तुम दोनों को लगा था कि जैसी शक्ल से भी लड़की पट सकती है। तभी मैं कहूं तेरी जैसे शक्ल वालों की भी गर्लफ्रेंड होने लगी। सही है तेरा भाई, चला नीचे। मामा पे तो सेल चल रही है, 50% ऑफ है। हाँ सही है, वैसे मामा के ना प्रोडक्ट भी काफी अच्छे हैं, कुछ अनियन हेयर ऑयल भी बहुत अच्छा है। बहन हां भाई, आज बड़ा खुश लग रहा है। बहन मेरे को ना तुम दोनों की हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? बहन मैं ना कल डेट पे जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ना, मैं बहुत गोरा दिखूँ उस डेट पे और लड़की मेरे को पहली बार में हाँ कर दे, तो गोरा होने के लिए कोई क्रीम बता दे। गोरा? तो बताना कोई क्रीम। मुझे क्या मिलेगा अगर बताऊँ तो? तू अगर लड़की से हटोगी तो पार्टी ले लियो। चल हाँ, क्रीम दिखाना। ये ले, इसको लगा करके तू ना चमकेगा, तू ही तू दिखेगा बस उसको। फिर सच में? चल ठीक है मैम, अगर ये होगी ना बात सच तो तू जो बोलेगी वो दिलवा दूंगा। चल ठीक है, हो जा गोरा।
अब हो जाऊंगा मैं गोरा एकदम। मेरी बहन दुनिया की सबसे बेस्ट बहन है। एक माँ के सामने हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रही हूँ। कप्तान ने बल्लेबाजी का फैसला किया है जिसका हम मेरी मीरा की बात बना दे। तू पागल है क्या? मैं पागल हूँ? तू पागल है? देख रहा, मैं मैच देख रही हूँ। तो मैं टीवी पहले देख रही थी ना, लेकिन तो तू सुबह से देख लिया ना? सुबह से देख रही हूँ। तेरा पेट भी भरा क्या? पेट में क्या रोटी खा लेकर हाँ भाई, क्या हो रहा है? कैसे लग रहे तुम जानवर की तरह दोनों? टीवी खाली टीवी देख रही थी। तो सुबह से देख रही ना सीरियल? इसको मैच देख रही है। ये तो मैच देख अपना। ठीक है दीदी, करते रहते। आप हमेशा ऐसे करते हो, हमेशा इसको रिमोट दे देते हो, हमेशा कोई भी चीज मांगते इसको दे देते हो। मैं क्या सौतेली हूँ इस घर में? हमें तेरे को पता नहीं है कि तू सच में सौतेली है? अच्छा तेरे को आज बता देता हूँ बात, वैसे बताइयो मत कि मैंने बताई वाली बात। जब तू छोटी थी ना, ना तू क्या यार, मतलब दीदी जब छोटी थी तो उस टाइम पे क्या दीदी की ना डोल नाले में गिर गई थी मुझसे, तो दीदी बहुत रो रही थी। तो पापा ने बोला कि तू चुप हो जा, चल हम तेरे को नई डोल दिलवा देंगे। तो हम रास्ते में जब नई डोल लेने जा रहे थे ना, तो तू ना रास्ते में हमें कूड़े में पड़ी हुई मिल गई। तो हमने ये सोचा कि यार क्यों डोल में पैसे बर्बाद करने, और इस बिगाड़न को एक घर मिल जाएगा। चुप रह तू। अबे सच बात है ये, नहीं तो तू पापा से पूछ लियो। और नितिन क्या कर रहे? तू रो रहा है? क्या हुआ बता मुझे, क्यों रो रहे है तू? अरे बता, तेरी बड़ी फैन हूँ मैं, बता मुझे क्या हुआ। मेरी गर्लफ्रेंड। एक गर्लफ्रेंड के लिए रो रहे है तू? अपने पढ़ाई पे ध्यान लगा और एक गर्लफ्रेंड फ्रेंड छोड़ फालतू की बातें, ठीक है ना? दीदी आपकी सारी बातें ठीक है, पर मैं उस लड़की से सच में प्यार करता हूँ। भाई मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है, कौन है वो लड़की मुझे बता, चल मेरे साथ। वाह बेटे वाह, तू तो बहुत हैवी चीटर निकली, मेरे भाई को छोड़कर इसके साथ बैठी है। अरे मैडम क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो अभी हुई नहीं है, बदतमीजी तो अब शुरू होगी। छोड़ना वो तो बेवफा निकली। अच्छा तू एक बता दी, तेरी एक फ्रेंड है रैटली सी, यार उसी से बात करवा दे। ये जितनी शरारती है उतनी ही है भोली, याद होता होगी जिस दिन उठेगी तेरी डोली। तेरे गैला वा लड़ना, वह इकट्ठे बैठ कर पढ़ना, वह बात बात पे चिढ़ाना और वह रोते हुए सहना। उस दिन तेरे जुड़ी हर एक चीज याद आओगी जिस दिन तू इस घर से विदा होकर जाओगी। हेलो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखते तो वीडियो को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ में अपने भाई बहन के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करना। और 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं वो भी पूरे करवा दो, और साथ ही साथ में इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।